700 करोड़ के बड़े बजट के साथ अक्षय कुमार ने साइन की 7 फिल्में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अक्षय कुमार को आज हर कोई पहचानता है, उनके जैसे अभिनेता बॉलीवुड में आज तक नहीं मिला है। उसकी हर फिल्में नए ही अंदाज में बनी हुई होती हैं। अभी ही अक्षय कुमार ने यह साल और आने वाली साल के लिए कुल 7 फिल्में साइन कर दी हैं। नंबर 1, गुड न्यूज। काफी लंबे समय के बाद अक्षय कुमार और करीना कपूर आपको यह फिल्म में साथ दिखाई देंगे। यह फिल्म को इसी साल 19 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म राज मेहता द्वारा डायरेक्ट की जाएगी। यह फिल्म में कियारा आडवाणी और दलजीत दोसांझ भी आपको दिखेंगे। नंबर 2, मिशन मंगल। यह फिल्म को खास 15 अगस्त के लिए साइन किया गया है। फिल्म में इसरो के द्वारा मंगल ग्रह के लिए जो मिशन किया गया था वो दिखाया गया है। यह फिल्म में बड़े बड़े अभिनेताओं और अभिनेत्री को शामिल किया गया है। फिल्म में विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू नजर आएंगे। नंबर 3, हाउसफुल 4। यह फिल्म के बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि यह फिल्म भारत की सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यह फिल्म हमें कृति सैनन, रितेश देशमुख, बॉबी देओल और बोमन ईरानी भी नजर आने वाले हैं। नंबर 4, क्रैक। अक्षय कुमार की यह फिल्म साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। यह फिल्म नीरज पांडे द्वारा डायरेक्ट की जाएगी। फिल्म पहले इस साल रिलीज होने वाली थी, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से यह फिल्म अब अगले साल रिलीज होने वाली है। नंबर 5, हेरा फेरी 3। आप हेरा फेरी जैसी मशहूर फिल्मों के बारे में जानते ही होंगे। फिल्म के अब तक 2 भाग आ चुके हैं। दोनों भाग आपको हंसा हंसा कर पागल कर देंगे और अब यह आपका 3रा भाग आने वाला है, जिसमें प्रवेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी देखने को मिलेगी। नंबर 6, सूर्यवंशी। अपने राउदी राठौर फिल्म में अक्षय कुमार को पुलिस के किरदार में देखा ही होगा। अब अक्षय कुमार फिर से पुलिस के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग इस साल चालू हो जाएगी और अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान। यह फिल्म भारत की मशहूर राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। फिल्म को चंद्र प्रकाश त्रिवेदी के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। यह फिल्म को यशराज फिल्म के द्वारा एक बड़े बजट में बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।